आप अपने मोबाइल में कुछ भी कर रहे हो, जितनी मर्जी एप्लीकेशंस ओपन की हुई हों, कितना ही डीप गए हुए हों, मोबाइल इतनी सारी एप्लीकेशंस ओपन होने के बावजूद आपको कॉल सबसे टॉप पर और सबसे पहले शो करता है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि मोबाइल को भी मालूम है कि उसका असल काम कॉल है, बाकी सब चीजें उसके लिए सेकेंडरी हैं। क्योंकि मोबाइल इसीलिए इन्वेंट हुआ था कि दूर बैठे शख्स से फौरन बात की जा सके। फिर इसमें SMS ऐड हुआ, फिर इंटरनेट, फिर गोया दुनिया की हर चीज को मोबाइल में शिफ्ट कर दिया गया। आज मोबाइल से दुनिया का शायद ही कोई ऐसा काम हो जो ना लिया जा रहा हो, मगर ये मोबाइल आज भी अपना बुनियादी काम नहीं भूला। आप कुछ भी कर रहे हो बट जैसे ही कोई कॉल आती है वो सब कुछ स्टॉप करके कॉल शो कर देता है। ये मोबाइल है जो अपने बनने का असल मकसद नहीं भूला। और एक हम इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा फरमाया कि हम उसकी इबादत करें, मगर जब मस्जिद से हमें इबादत के लिए बुलाया जाता है तो क्या हम अपने सारे के सारे ऑपरेशंस स्टॉप करके नमाज के लिए जाते हैं? मस्जिद जाना तो दूर की बात है, अल्लाह के मुनादी की निदा यानी अजान को तवज्जो से सुनते भी नहीं। इबादत हर इंसान के पैदा किए जाने का असल मकसद है और सबसे अहम तरीन इबादत है। काश हम मोबाइल से इतना ही सीख लें कि दुनिया के सब काम करें मगर अपनी पैदाइश का बुनियादी मकसद इबादत कभी ना भूलें। अजान होते ही सब कुछ रोककर मुअज्जिन को लब्बैक कहें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज की तरफ चल पड़ें। वमा खलकतुल जिन्ना वल